मिशन देख रहे सारे दर्शकों को लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयां। अज इत्थों दे सिख वॉलंटियर्स ग्रुप ने बाल सुधार गृह के बच्चों नाल भंगड़ा पा के लोहड़ी का जश्न मनाया अते बच्चों नूं मिठाइयां भी वंडियां। फिलहाल यह सी अज की खास खबर। सत श्री अकाल, मैं हाँ बलजीत सिंह, तुसी मेरे नाल देख रहे हो मिशन 24x7। आओ हुण शुरुआत करदे हां दिन भर दीआं तमाम खबरां दी। शायापुर विच लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही खास तरीके नाल मनाया गया। पंजाबी वॉलंटियर ग्रुप ने बच्चों के सुधार गृह पहुँच के बच्चों नाल लोहड़ी का त्यौहार मनाया। उन्होंने बच्चों नाल भंगड़ा अते गिद्दा पाया अते मिठाइयां वंड के त्यौहार का जश्न मनाया। जिला जेल नूं हुण शहर तो बाहर शिफ्ट किया जा रहा है अते नवीं जेल बनाई जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन अते DIG जेल ने जेल की जमीन का निरीक्षण किया। 80 एकड़ रकबे में एक नवीं जेल बनाई जा रही है। इस समय जेल की उसारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिले में भारी ठंड का करके जिला मजिस्ट्रेट ने पहली तो 8वीं जमात तक के बच्चों की कल छुट्टी कर दी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश का सख्ती नाल पालन किया जाना चाहिए है। नाल ही इस शीतलहर में अध्यापकों को छुट्टी नहीं दी गई है, उन्होंने स्कूल जाना पवेगा और होर काम करने पैणगे। इतने रिफाइंड नाल भरिया एक टैंकर धुंद कारण अचानक पलट गया। सड़क से डुले रिफाइंड नूं वेख के पिंड के लोग रिफाइंड नूं भरन लग पए। इस दौरान पुलिस ने भारी मुश्किल नाल भीड़ नूं काबू विच कीता। घटना थाना आलागंज के फरखाबाद स्टेट हाईवे की है। लोहड़ी का त्यौहार अज सिंधौली ब्लाक क्षेत्र के पिंड भटपुरा रसूलपुर के JP पब्लिक स्कूल में बड़ी ही धूमधाम नाल मनाया गया। इस स्कूल में लोहड़ी के त्यौहार के मौके पर एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस विच बच्चों ने भंगड़ा अते गिद्दा पाया। प्रिंसिपल हिना खान ने बच्चों नूं लोहड़ी के त्यौहार की महत्ता बारे दस्या। इस दे नाल ही स्कूली बच्चों ने लोड़वंद अते गरीब लोगों नूं गर्म कपड़े अते कंबल वंडे। किसानों दीआं कई मुश्किलां दे सिलसिले विच भारतीय किसान यूनियन टकैत धड़े दे जिला प्रधान मनजीत सिंह ने बजाज शुगर मिल मकसूदापुर के मिल मैनेजर नूं मंग पत्र सौंपिया। दरअसल किसानों की मंग है कि मिल प्रबंधकों वालों बनाए गए रैन बसेरे में कोई सहूलत नहीं है, शौचालय भी गंदे है, जिस कारण किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। किसानों ने यह भी मंग की है कि उन्होंने गन्ने का बकाया भुगतान जल्द ही किया जाए।